तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग ही होगा कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बारबेक्यू नेशन। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में जो पायरेट्स ऑफ ग्रिल वाला था, चंडीगढ़ गया था मैं, एंड इस टाइम भी मैं मोहाली में हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि बारबेक्यू नेशन इज़ बेटर देन पायरेट्स ऑफ ग्रिल। तो आज वही देखने जा रहे हैं कि वाकई में बेटर है कि नहीं। वैसे मैं काफ़ी बार गया हुआ हूँ बारबेक्यू नेशन, पर आज आपके लिए स्पेशल जा रहा हूँ वीडियो शूट करने एंड आपको फूड का रिव्यू देने के लिए। सो लेट्स गो टू बारबेक्यू नेशन एंड सी हाउ देयर फूड इज। क्रिस्पी कॉर्न एंड केजन स्पाइस पोटैटो, जो कि इनका बहुत अच्छा होता है, एंड साथ में इनकी स्पेशल पुदीना चटनी। तो टेस्टिंग कर लेते हैं पोटैटो की पहले। पोटैटो काफी क्रिस्पी है, कॉर्न आप देख सकते हैं बाहर से कितना क्रिस्पी लग रहा है, एंड चिकन सीख कबाब। तो चिकन सर्व होना शुरू हो गया है। यह है चिकन सीख कबाब, ये है प्रॉन्स, एंड दिस इज आई थिंक सो चिकन टिक्का, दिस इज चिकन टिक्का। तो इनकी कर लेते हैं टेस्टिंग। तो हमें सर्व हो गई है चिकन लेग पीस, चिकन तंगड़ी एंड चिकन विंग्स, साथ में फिश मशरूम, चिकन टिक्का, फिश अगेन, एंड सोया चाप है, और साथ में है प्रॉन्स। तो इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैंने सभी कुछ पहले ही टेस्ट कर लिया है। प्रॉन्स आप देख सकते हैं, अभी हड्डियाँ भी आप देख सकते हैं, सभी कुछ मैंने टेस्ट कर लिया है, एंड प्रॉन्स बहुत बढ़िया है। परफेक्टली कुक, एंड चिकन विंग का जो चिकन विंग है पका बहुत अच्छे से हुआ है, एंड होल विंग है, टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। चिकन तंगड़ी नहीं मैंने अभी तक टेस्ट की, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। सीरियसली इट्स ऑसम, टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, चिकन कुक टू परफेक्शन, एंड इनकी फिश भी बहुत बढ़िया है, फिश मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सॉफ्ट है फिश, एंड बढ़िया क्वालिटी की फिश भी यूज़ की गई है, आप देख सकते हैं पुदीना चटनी के साथ। फिश काफ़ी बढ़िया है, बाकी स्टार्टर इंजॉय करते हैं एंड फिर जाते हैं मेन कोर्स की तरफ। यार फिश बहुत ज़्यादा बढ़िया, फिश की मैंने 3-4 सीख खा ली है, पर एक और खा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार फिश इज़ जस्ट अमेजिंग पुदीना चटनी के साथ। वेजिटेरियन भी मैंने काफ़ी टेस्ट किया है, ये जो
मशरूम है, मशरूम काफ़ी बढ़िया है, एंड चिकन टिक्का इज़ ऑल्सो अमेजिंग। स्पेशलिटी जो तंदूरी आइटम्स में है वो मुझे लगी, एक वेज में मशरूम काफ़ी बढ़िया है, चाम्प बढ़िया है, एंड नॉन वेजिटेरियन में फिश एंड प्रॉन्स, एंड जो ये और तंदूरी आइटम्स है लेग पीस मतलब चिकन तंगड़ी एंड चिकन विंग्स आर ऑल्सो वेरी अमेजिंग। कुल मिला के स्टार्टर्स को मैं देता हूँ 10/10, स्टार्टर्स आर अमेजिंग। मज़ा आ गया यार स्टार्टर्स खा के। जब भी बारबेक्यू नेशन पे आता हूँ तो मतलब एक बढ़िया सी फीलिंग आती है यार हमेशा। दे सर्व द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड एंड जो स्टाफ है यहाँ का इतना फ्रेंडली है एंड इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है यहाँ पे और सर्विस बहुत बढ़िया है सर। आखिर में इस वीडियो के मैं आपको रेटिंग बताऊंगा फूड प्लेस का, मतलब हाइजीन एंड क्लीनिनेस और सर्विस का, तो स्टे ट्यून्ड एंड तक वीडियो देखिए अगर आपको रेटिंग प्रॉपर रेटिंग जाननी है तो। स्टाफ मेंबर्स भी आप देख सकते हैं कि मास्क पहना हुआ है, हैट पहनी हुई है, एंड दे हैव ग्लव्स ऑन एंड दे आर ऑल्सो वैक्सीनेटेड। सो बारबेक्यू नेशन वालों ने अपने जो है मतलब कस्टमर्स के लिए पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, पूरा ध्यान रखा हुआ है कि कस्टमर्स की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, एंड ऑल देयर स्टाफ इज़ वैक्सीनेटेड। अलॉन्ग विद दैट दे आर हैविंग देयर मास्क एंड ग्लव्स सो दे कैन अश्योर परफेक्ट सेफ्टी ऑफ देयर कस्टमर्स। ये देख लो हमारा कैसा लगा फूड, बहुत अच्छा, ध्यान ना दस है, बहुत ज़्यादा स्वाद, बहुत ज़्यादा स्वाद। मेन चीज जो वेजिटेरियन में है ना, तो मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है वो है दही के कबाब। मतलब यार ये अभी एक खाया मैंने एंड ये देख लीजिए पनीर डाला हुआ है इसमें एंड धनिया भी है एंड यार इतना सही फ्लेवर है ना, मज़ा आ गया दही कबाब खा के। बस नहीं नहीं बस दही कबाब और ला दें। अभी मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ टेस्ट की, ये है फिश इन हॉट गार्लिक सॉस। फिश इतनी सॉफ्ट है एंड इतना बढ़िया फ्लेवर है, मतलब मज़ा आ गया यार खा के। एंड अभी ये फिश खा के चलते हैं मेन कोर्स की तरफ एंड मेन कोर्स टेस्ट करके बताते हैं कि इनका मेन कोर्स कैसा है। तो मेन कोर्स में मैं लाया हूँ, ये था दम का मुर्ग, सोफियाना कोफ्ता करी, भिंडी मसाला, वेजिटेबल कढ़ाई एंड राइस प्लेन भी थे, बट आई प्रेफर्ड बिरयानी राइस क्योंकि मतलब राइस मैंने खाने थे एंड बिरयानी राइस मैं इसीलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि बिरयानी राइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बिरयानी राइस मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें फ्लेवर काफ़ी होता है एंड काफ़ी बढ़िया होते हैं। तो यहाँ पे रश काफ़ी हो गया, ऑलमोस्ट हाउसफुल है, एक हिसाब से फुल हो गया है, कोई भी टेबल खाली नहीं है एंड मेन कोर्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया मैं ले आया हूँ, तो बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी आएगी इसलिए मैं ये मतलब डेजर्ट्स भी इसलिए ले आया है। डेजर्ट्स का मैं आपको अभी बताता हूँ,
खाना खा के खाना मैं टेस्ट कर लेता हूँ, आपको थोड़े से शॉर्ट्स आगे दिख जाएंगे, बट मैं उसमें वॉइस ओवर करूँगा, मैं बोलूँगा नहीं कुछ, एंड टेस्ट करते हैं कि कैसा है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी है तो मतलब ऑडियो सही नहीं आएगा, तो मैं ऐसे ही टेस्ट करके आपको पीछे वॉइस ओवर दे दूँगा आगे। तो अब कर लेते हैं मेन कोर्स टेस्ट। पहले मैंने ले लिया है गार्लिक नान, मैं जहाँ भी जाता हूँ गार्लिक नान जरूर टेस्ट करता हूँ, एंड इसके साथ मैं ले रहा हूँ सबसे पहले भिंडी मसाला। भिंडी मसाला देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड टेस्ट काफ़ी बढ़िया, भिंडी बहुत बढ़िया तरह से पकी हुई है, जो साथ में वेजिटेबल्स जैसे प्याज वगैरह हैं वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं भिंडी मसाला में। अब टेस्ट कर लेते हैं, मतलब देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये भी सुफियाना कोफ्ता, एंड अब देख सकते हैं कि कोफ्ता कितना बड़ा बढ़िया है, गोल गोल है, एंड इसको देख लेते हैं तोड़ के, काफ़ी सॉफ्ट है, एंड थोड़ी ग्रेवी लगा लेते हैं, ग्रेवी काफ़ी थिक है, काफ़ी बढ़िया लग रही है, एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया है कोफ्ता भी, और बहुत बढ़िया टेस्ट है सुफियाना कोफ्ते का, ओवरऑल मिठास है ग्रेवी में। एंड अब कर लेते हैं टेस्ट नॉनवेज में, मैंने लेग पीस लिया है दम का मुर्ग, एंड आप देख सकते हैं कि चिकन कितना इजीली पुल हो गया है, एंड साथ में ग्रेवी लगा लेते हैं, चिकन बहुत बढ़िया तरह से पका हुआ है, और इसके कर लेते हैं टेस्टिंग। ये भी यार काफ़ी बढ़िया, मतलब चिकन तो ऑल टाइम फेवरेट है यार, मतलब इंडियन स्टाइल ग्रेवी में दम का मुर्ग मज़ेदार लग रहा है। और ये वेज कढ़ाई टेस्ट कर रहा हूँ मैं, एंड ये भी मतलब देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, बाकी देखते हैं टेस्ट कैसा है। टेस्ट इसका भी काफ़ी बढ़िया, मतलब ठीक है टेस्ट, मतलब मतलब बाकी चीज़ों के कंपैरेटिवली ये मुझे को थोड़ा सा कम लगा, बाकी बिरयानी राइस भी काफ़ी बढ़िया थे। अब बारी आ जाती है डेजर्ट्स की, एंड डेजर्ट्स में मैं टेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले शाही टुकड़ा, माई फेवरेट, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, रबड़ी लगाई हुई है ऊपर, रबड़ी डाली हुई है, एंड टेस्ट ऑसम है यार, मतलब वेरी, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता टेस्ट, मैं थोड़ा असीम को भी टेस्ट करवा देता हूँ पहले ही, क्योंकि काफ़ी बढ़िया यार, मैं चाहता हूँ वो भी खाए, एंड खाने के बाद उसने भी मतलब थम्स अप वाला साइन बना दिया था, क्योंकि उसको काफ़ी बढ़िया लगा वो। एंड अभी देख लेते हैं कि मूंग दाल का हलवा कैसा है, काफ़ी बढ़िया तरह से पका हुआ है, एंड काफ़ी बढ़िया वो भी, मतलब एज बीइंग अ स्वीट लवर हर एक स्वीट डिश ही बहुत बढ़िया है, बाकी ये छोटे छोटे गुलाब जामुन भी काफ़ी बढ़िया थे। एंड इसके बाद मैं टेस्ट करने वाला हूँ इनकी चॉकलेट ब्राउनी, जो कि मुझे इतनी खास नहीं लगी, बाकी सॉफ्ट थी, ठीक था टेस्ट, ये नहीं कह सकता बुरा था, बट काफ़ी मतलब ठीक था टेस्ट, वह भी नहीं कह सकता। एंड अब टेस्ट कर लेते हैं, स्पेशल था उस दिन मैंगो फिरनी, तो मैंगो फिरनी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, एंड मैंगो की बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है, बाकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। मैंगो फिरनी वाकई यार मतलब 2-3 चम्मच खा लिए मैंने ऑन द स्पॉट ही, काफ़ी बढ़िया थी, रहा नहीं जा रहा था, एंड मज़ा ही आ रहा था खा के, बाकी ये क्रीम जो ये जो भी है ये मैं नहीं खाऊँगा, बाकी ये दोनों चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं अभी, बस नान आने ही वाले हैं हमारे, क्योंकि ये तो मैं वीडियो के लिए टेस्टिंग कर रहा था, बाद में खाएंगे खाना अच्छी तरह से। एंड काफ़ी बढ़िया यार हर एक चीज़, ये जो है ना पुदीने के साथ इसका मतलब चॉकलेट वाले का इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा था, तो मतलब मज़ेदार था ओवरऑल फूड। अभी कर लेते हैं फुल फ्लेज रिव्यू, एंड आपको देते हैं वीडियो की एंडिंग। तो फूड ओवरऑल टेस्ट कर लिया है यार, फूड मतलब अमेजिंग था, काफ़ी बढ़िया था फूड, मतलब अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो प्लेस को ओवरऑल मैं रेटिंग दूंगा 9.5। हाइजीन पूरा मेंटेन किया हुआ था, प्लेस की क्लीनिनेस बहुत बढ़िया थी, हर एक स्टाफ मेंबर वैक्सीनेटेड था, ग्लव्स पहने हुए थे, मास्क पहना हुआ था, मतलब पूरी श्योरिटी थी जो भी वहाँ पे उनका कस्टमर आ रहा है उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे मेजर्स लिए जा रहे थे, बहुत बढ़िया था। फूड को मैं देता हूँ ओवरऑल 9.5, हर एक चीज़, चाहे वो स्टार्टर्स है, चाहे वो सूप था, चाहे वो फिश थी, मतलब मेन कोर्स स्वीट डिशेस, एवरीथिंग वाज ऑसम। एक दो चीज़ों में कमी लगी, जैसे जो मैंने कढ़ाई वेजिटेबल्स टेस्ट की या फिर ब्राउनी, बस उनमें थोड़ी सी कमी लगी, बाकी 9.5 इज़ नॉट बैड यार, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कॉमेंट डाउन कीजिए कि आप बारबेक्यू नेशन गए हुए हैं पहले के नहीं, एंड अगर नहीं गए हुए तो यार जाइए, मतलब मेरे को पड़ा ये 750 में, एंड 750 में मेरे को नहीं लग रहा भी बुरी डील थी, अनलिमिटेड फूड इन 70
इन 750 रुपीज इज नॉट बैड एट ऑल। एंड मेरे इंस्टाग्राम्स को फॉलो कर लीजिए, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे दोनों आईडीज का। एंड ये मैं मोहाली वाले बारबेक्यू नेशन में गया था। बारबेक्यू नेशन की लोकेशंस वैसे काफ़ी जगह हैं, दिल्ली में है, बॉम्बे में, ऑल ओवर इंडिया है बेसिकली, तो आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, 1K हमारे होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी 1K करवा दीजिए। एंड बाय बाय फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।